सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्टूडेंट्स चैप्टर 5 समानता यानी कि इक्वेलिटी। एम्पियर 001 का चैप्टर 5 है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं 4 चैप्टर्स इसके ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो फर्स्टली उन चैप्टर्स को जाके आप कवर कीजिए। सभी चैप्टर्स के जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। एंड यहाँ पे स्टूडेंट्स एक एक करके मैं सभी चैप्टर्स को यहाँ पे कवर करवा रही हूँ बहुत ही सरल शब्दों में, जहाँ पे आपको आसानी से एमपीएस के जो चैप्टर्स हैं वो आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट फर्स्टली मैं आपको बताऊँगी कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। पहला है समानता का अर्थ, समानता की विशेषताएं, समानता का महत्व, समानता के विभिन्न रूप, स्वतंत्रता और समानता में संबंध। तो ये 5 टॉपिक्स स्टूडेंट्स हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको देखना है, बीच में आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है अगर आपको चैप्टर्स को अच्छे से समझना है तो। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक एक करके सभी टॉपिक्स को हम लोग कवर करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करे। देखिए पहला है समानता का अर्थ। समानता का अर्थ अगर मैं आपको बताऊं पहले अपनी लैंग्वेज, तो समानता का मतलब होता है जहाँ पे कोई भी भेदभाव ना हो। ठीक है, बिना किसी भेदभाव के सभी कार्यों करने की एकदम पूरी छूट होनी चाहिए, सभी एक तरीके से समानता मतलब इक्वलिटी होनी चाहिए, कोई भी भेदभाव ना हो किसी भी चीज़ को लेके, तो वो समानता है। अगर मैं यहाँ पर समानता का अर्थ आपको बताऊँ तो साधारण शब्दों में समानता का अर्थ ये लिया जाता है कि सभी व्यक्तियों को समान दर्जा प्राप्त हो। सही बात है, समानता वही है जहाँ पर सभी व्यक्तियों को समान दर्जा प्राप्त हो, सबको बराबर वेतन मिले। ठीक है, सबको बराबर वेतन मिले, जो भी इसके कार्य, जो भी उसने अपना एक तरीके से कार्य किया है उसकी न्यूनतम वेतन के अनुसार, उसके समय के अनुसार जितने टाइम उसने कार्य करा है उसको समान वेतन मिलनी चाहिए। परंतु व्यवहार में ये संभव नहीं है, लेकिन परंतु जो व्यवहार हम एक दूसरे से करते हैं उसमें समानता होना संभव नहीं है। इसका कारण ये है कि प्रकृति ने मानव को असमान बनाया। सही बात है कि अगर हम प्रकृति की बात करें तो प्रकृति ने ही सभी व्यक्तियों को असमान बनाया। किसी न किसी में कोई ना कोई चीज़ में हम देखने को मिलेगी कि असमानता है। कोई व्यक्ति गरीब है तो कोई व्यक्ति अमीर है, कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अमीर है तो कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा गरीब है, कोई व्यक्ति का धर्म दूसरा है तो किसी व्यक्ति का धर्म दूसरा है, कोई दूसरे भगवान को मानता है तो कोई दूसरे भगवान को मानता है। तो इस समय एक तरीके से जो प्रकृति है, प्रकृति ने मानव को एक तरीके से असमान ही बनाया है नेचुरल से ही, समझ रहे हो आप। अब असमान देखो जैसे कि रूप रंग, रूप रंग क्या, कोई व्यक्ति काला है तो कोई व्यक्ति गोरा है, किसी में बुद्धि ज़्यादा है तो किसी में बुद्धि कम है। ठीक है, शक्ति के आधार पर अगर हम देखें तो काफ़ी भिन्नताएं हमें देखने को मिल जाएंगी। तो हम समान मानने वाले कौन होते हैं, तो एक तरीके से यहाँ पे प्रश्न उठता है कि हम कैसे मान लें कि हम समान हैं जब हमें प्रकृति ने ही असमान बनाया है, तो हम कौन होते हैं कि हम बोले कि भाई हम लोग समान हैं। तो यहाँ पे जो लॉस्की है, लॉस्की ने अपने कुछ विचार यहाँ पे बताए हैं। लॉस्की ने कहा है कि समानता का ये मतलब नहीं है, तो यहाँ पे लॉस्की ने बोला कि समानता का मतलब ये नहीं है कि आपका रंग रूप एक हो, आपकी बुद्धि एक हो, आपकी शक्ति एक हो, ये समानता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के एक साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, ठीक है, वो समानता है। उदाहरण के लिए यदि ईंट ढोने वाले को वेतन एक प्रसिद्ध गणित अथवा वैज्ञानिक के बराबर दिया जाए, इससे समाज का उद्देश्य नष्ट हो जाएगा। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति ये है जो मजदूरी का काम कर रहा है, समझना ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को, एक व्यक्ति जो है वो मजदूरी का काम कर रहा है और जो दूसरा व्यक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ठीक है, गणित में, अगर इस व्यक्ति को भी समान वेतन मिल रही है और इस व्यक्ति को भी समान वेतन मिल रही है, मान लेते हैं इसकी 8,000 सैलरी है और इसकी भी 8,000 सैलरी है, ठीक है, तो इस दौरान ये जो एक तरीके से असमानता है, ये जो एक तरीके से दोनों को ही बराबर दी जा रही है, तो इससे क्या होगा, समाज का जो उद्देश्य है वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या फ़ायदा उसकी पढ़ाई लिखाई का जब उसको समान ही वेतन मिल रहा है, इससे अच्छा तो वो फिर वो मजदूरी कर ले, समझ रहे हो। अब देखिए समानता का अर्थ, समाज में प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति के समान अवसर प्रदान किए जाए, प्रत्येक व्यक्ति को समान सुविधाएँ प्राप्त होने चाहिए। मान लेते हैं ये एक समाज है, एक समाज में एक प्रतियोगिता रखी गई है, अब उस प्रतियोगिता में
धर्मों को लेके असमानता करी गई है तो वो होगी असमानता। और जहाँ पे जो प्रतियोगिता रखी गई है वहाँ पे सभी व्यक्तियों को पूरी पूरी छोटे के जो भी इसमें भाग लेना चाहता है वो ले सकता है, तो सभी व्यक्तियों को उसकी योग्यता के अनुसार जो भी उसको एक तरीके से सुविधाएं मिल रही हैं, सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, वो हमारी समानता कहलाती है। अपनी योग्यता के अनुसार अपना विकास कर सके मनुष्य, प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार मिलने चाहिए। मतलब देखो अगर मैं उदाहरण दूँ आपको, यहाँ पे देखिए हमारा जो भारत है, भारत में क्या है, सभी अलग अलग धर्म के लोग हैं, सभी अलग अलग जाति के लोग हैं, सभी अलग अलग रंग रूप लोग रंग रूप के लोग हैं, कोई गरीब है कोई अमीर है, ठीक है, कोई दूसरे ईश्वर को मानता है तो कोई दूसरे ईश्वर को मानता है, तो इस दौरान बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिलना, ठीक है, विशेष एक तरीके से समान अधिकार मिलना ही समानता कहलाता है। समाज में विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक समाज को ज़्यादा अधिकार मिल रहा है और दूसरे समाज को बहुत ही कम अधिकार मिल रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, दोनों समाज को एकदम इक्वल और बराबरी का एक तरीके से अधिकार उनको मिलने चाहिए। लॉस्की के अनुसार समानता का अर्थ है कि विशेष अधिकार वाला वर्ग ना रहे। लॉस्की के अनुसार समानता का जो अर्थ है वो है किसी भी वर्ग को विशेष अधिकार नहीं मिलने चाहिए, बल्कि सभी को ही समान अधिकार समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। ये किसका कहना है, लॉस्की। तो एक तरीके से समानता का अर्थ आपको अच्छे से समझ में आएगा, जहाँ पे बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिले योग्यता के अनुसार, वो समानता कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे समानता की विशेषताएँ। समानता की विशेषताएँ, सभी नागरिकों की मूल आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, तो सभी व्यक्ति की जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं उनको पूरी होनी चाहिए, वो भी बिना किसी भेदभाव के, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका, प्रत्येक व्यक्ति को आजीविका के साधन उपलब्ध होने चाहिए, यानी कि सभी व्यक्तियों को उनकी जो बेरोजगारी है उनका एक तरीके से उससे मुक्त करवा देना चाहिए, सभी व्यक्तियों को आजीविका के साधन होने चाहिए जिससे मनुष्य अपना विकास कर पाए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने काम के लिए उचित मजदूरी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो भी अपना वो कार्य करता है उसको उसकी उचित आयु मिलनी चाहिए। किसी व्यक्ति का शोषण नहीं होना चाहिए। आप देखते हो कि 14-14 साल के बच्चे कारखानों में काम करते हैं, ठीक है, तो इस दौरान क्या होता है, उन बच्चों को ना कोई भी वेतन नहीं मिलता। दुकानदार वाले क्या करते हैं और कारखाने वाले क्या करते हैं कि भाई चल बच्चा है, एक कोई भी चीज़ दे दी खाने को, उससे इतना काम करवाया, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये शोषण हो रहा है एक तरीके से, तो किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। समानता के किसी वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिए, मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि समाज में ना, समाज में सभी व्यक्ति समान होते हैं और सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। ठीक है, ये बोला गया, किसी समाज को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिए। विशेष अधिकार से अभिप्राय होता है कि जिसको ज़्यादा अधिकार दे दियो, किसको अलग ही शक्ति दे दियो समाज को। समाज में सभी व्यक्तियों की उन्नति के समान अवसर प्रदान किए जाते हैं ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर उन्नति कर सके। सभी व्यक्तियों को उन्नति के समान अवसर दिए जाते हैं ताकि व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर उन्नति कर सके। ठीक है, ये है हमारी समानता की विशेषताएँ। आपको अच्छे से समझने हैं सारे टॉपिक्स, बहुत ही अच्छे से समझा रही हूँ। कोई भी टॉपिक्स आपको नहीं आते तो प्लीज़ आप वीडियो को अगेन भी सुन सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे समानता का महत्व। व्यक्ति के लिए जितना स्वतंत्रता का महत्व है, मतलब जितनी एक तरीके से स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है व्यक्ति के विकास के लिए, उतना ही महत्व है समानता, क्योंकि समानता के बिना स्वतंत्रता का वास्तविक आनंद प्राप्त ही नहीं किया जा सकता। अगर हम ये कहें कि बस स्वतंत्रता होनी चाहिए या समानता नहीं होनी चाहिए, तो ये गलत है। जब समानता होगी उतना ही हमें मज़ा आएगा, अपनी स्वतंत्रता को अच्छे जीवन जीने की एक तरीके से अच्छा जीवन जीने में आनंद आएगा उतना ही। ठीक है, तो दोनों ही एक तरीके से अपना आपस में संबंध वो रखते हैं। जितनी ज़रूरी स्वतंत्रता है उतना ही ज़रूरी समानता भी है। ठीक है, आप देखिए समानता की मांग में सदैव से ही प्रचलित विषमताओं का रूप बदला है। वैसे वैसे समानता का अर्थ भी बदला है, एक तरीके से धीरे 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 करके समानता का भी अर्थ बदलता रहा है। समानता का सबसे पहले उचित्य धार्मिक आधार पर स्थापित किया गया, तो सबसे पहले जो समानता थी वो धर्म को लेके एक तरीके से स्थापित की गई थी, क्योंकि हमारे एक तरीके से भारत में अलग अलग धर्म अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, तो पहले धर्म को लेके बातचीत करी गई कि धर्म को लेके कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी में ही समानता होनी चाहिए।
इसके अनुसार सभी मानव इसलिए समान है, वे सभी एक ही ईश्वर के रूप है। इसके अनुसार ये बोला गया है कि मानव समान है क्योंकि एक ही ईश्वर के रूप में है। देखिए ईश्वर एक ही है, बस उसके अलग अलग रूप हैं, इसलिए मानव भी समान है। सब अपने अपने अलग अलग धर्म को मानते हैं लेकिन ईश्वर तो है एक ही, समझ रहे हो, बस उसकी मूर्ति अलग हो गई है, उनके चेहरे अलग हो गए, बस ये चीज़ है, और धर्म अलग हो गया, बाकी ईश्वर हमारा एक ही है। ठीक है, बस हमें यही जानना है। यहाँ पे आप देखिए आगे, अब हम बात करेंगे स्टूडेंट समानता के विभिन्न रूप। समानता के विभिन्न रूप, मनुष्य को अपने जीवन के विकास करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में समानता की आवश्यकता होती है। समानता के विभिन्न रूप निम्नलिखित हैं। समानता के विभिन्न रूप निम्नलिखित हैं। पहला है प्राकृतिक समानता। प्राकृतिक समानता, प्राकृतिक समानता का अर्थ है कि प्रकृति ने सभी व्यक्तियों को समान बनाया। प्राकृतिक समानता का मतलब ये, जो प्रकृति है ना, उसने सभी व्यक्तियों को समान तरीके से बनाया है, इसलिए सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। परंतु ये विचार ठीक नहीं है। ठीक है, अगर हम ये कहें कि प्रकृति है, प्रकृति ने सभी व्यक्तियों को समान बनाया तो इसी कारण समान सभी के साथ व्यवहार होना चाहिए, परंतु ये विचार ठीक नहीं है। आधुनिक देखा प्राकृतिक समानता का ये अर्थ नहीं लेते। प्राकृतिक समानता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को में कुछ मौलिक समानताएं हैं जिनके कारण सभी व्यक्तियों को समान माना जाता है। देखिए अगर मैं बताऊं आपको प्राकृतिक समानता में क्या है, सभी व्यक्तियों को एक तरीके से समान बनाया है। ठीक है, बस रंग रूप ही तो अलग है ना, लेकिन है तो समान, तो सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। इसलिए प्राकृतिक समानता का अर्थ ये एक तरीके से होता है कि प्रत्येक व्यक्तियों को कुछ मौलिक समानताएं हैं जिनके कारण सभी व्यक्तियों को समान अधिकार दिए गए हैं। मतलब कुछ मौलिक समानताएं उनको दे रखी, कुछ मौलिक अधिकार उनको दे रखे, जिसमें व्यक्तियों के साथ समान अधिकार होते हैं। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपने इंडिया का संविधान अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें आप देखते हो कि मौलिक अधिकार दे रखे हैं। तो मौलिक अधिकार ये तो नहीं कि धर्म को लेकर दे रखे, ये तो नहीं कि जाति को देकर दे रखे हैं, सभी व्यक्तियों को समान अधिकार दे रखे हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा नागरिक स्वतंत्र, नागरिक समानता। नेक्स्ट है हमारा नागरिक समानता। नागरिक समानता को कानूनी समानता के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो नागरिक समानता है उसको कानूनी समानता के नाम से भी जाना जाता है। नागरिक समानता का अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं, अर्थात कानून के सामने सभी समान होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला गया कि नागरिक समानता को एक तरीके से कानूनी समानता भी कहा जाता है, और कानून के आगे सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति, लिंग, धन आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। कानून के सामने सभी व्यक्ति समान होते हैं। कानून सभी व्यक्तियों पर समान कानून लागू करता होता है। इंग्लैंड, भारत तथा अमेरिका में कानून के सामने सभी व्यक्तियों को समान एक तरीके से माना जाता है और बराबर माना जाता है। देखिए मैं आपको ना इसको अच्छे से समझाती हूँ। दो व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति की हत्या कर दी, ठीक है, और ये अपने धन राशि से, अपने अमीर की एक तरीके से, काफ़ी ज़्यादा अमीर है और काफ़ी ज़्यादा उसके पास धन है, तो ये एक तरीके से पावरफुल हुआ। और जो दूसरा व्यक्ति है इस पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि इसने इस दूसरे व्यक्ति की हत्या की है, समझ रहा है इस बात को, ठीक है। अब क्या होगा, ये पैसे लगाएगा जो अमीर व्यक्ति है, ये सोचेगा भाई मैं बच जाऊँगा, ये सारा आरोप इस पर लगा रहा है जो कि गरीब है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कानून के सामने ये बोला गया कि कानून के सामने सभी व्यक्ति समान है। इस व्यक्ति के लिए चाहे कितना भी शक्ति लगा ले, कितने भी पैसा क्यों ना लगा ले, लेकिन अगर इसके खिलाफ एक तरीके से सबूत मिल गए तो फिर इसको आरोप किया जाएगा, ये किसी भी कारण से नहीं बच सकता। यही कारण है कि सभी व्यक्ति समान है। ये व्यक्ति गरीब है, इट मीन्स ये नहीं कि इसको ही एक तरीके से आरोपी माना जाएगा, इसके खिलाफ सबूत ढूंढे जाएंगे, ठीक है। इंग्लैंड और भारत और अमेरिका में कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर है और सभी व्यक्ति को समान माना जाता है। अब देखिए आगे, सामाजिक समानता। सामाजिक समानता का अर्थ है कि समाज के प्रत्येक व्यक्तियों को समान में समझा जाता है। प्रति व्यक्ति समाज का बराबर अंग है,
सभी को समान सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। किसी व्यक्ति से धर्म, जाति, रंग, धन आदि के आधार पर भेदभाव नहीं हो। भारत में जाति पाति के आधार पर भेदभाव किया जाता था, सरकार ने कानूनी तौर पर छुआछूत को समाप्त कर दिया है। देखिए, सामाजिक समानता से अभिप्राय ये है कि मनुष्य जिस समाज में रह रहा है उस व्यक्ति को समान समझा जाएगा, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, व्यक्ति समाज का बराबर अंग होगा, जो सुविधाएं सभी व्यक्तियों को मिलेंगी वो सुविधाएं उस व्यक्ति को भी मिलेगी, चाहे वह किसी भी धर्म का क्यों ना हो, चाहे वह किसी भी जाति का क्यों ना हो, चाहे वो धर्म का ही क्यों ना हो, ठीक है, उससे किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ पहले के समय में, प्राचीन समय में, तो भारत में काफ़ी ज़्यादा भेदभाव देखने को मिलता था, ठीक है। अगर आपने देखी होगी कुछ मूवीज़ वगैरह भी आती हैं, ठीक है, पहले के समय की, तो पहले क्या होता था कि जाति जाति प्रथा वगैरह को लेके काफ़ी ज़्यादा भेदभाव होता था, ठीक है। कोई व्यक्ति जो अमीर होता था वो गरीब व्यक्ति का पानी तक नहीं पीता था, पानी में इतना भेदभाव होता था, गरीब का कुआ अलग था, अमीर का कुआ अलग था, अमीर के घर इतने बड़े बड़े आलीशान थे और गरीब का एक झोपड़ी टाइप में था, तो इतना भेदभाव देखने को मिलता था। लेकिन सरकार के द्वारा इस कानून को भी एक तरीके से समाप्त कर दिया गया। पहले क्या होता था, छुआछूत होता था, छुआछूत अगर कोई अमीर व्यक्ति ना अमीर व्यक्ति को कोई गरीब व्यक्ति छू भी देता था थोड़ा सा, ठीक है, तो मतलब इतना एक तरीके से आतंक मच जाता था कि भाई इसने मुझे क्यों छू लिया, इतना मतलब एक तरीके से भेदभाव होता था, समझ रहे हो। लेकिन अब इसको कानून के द्वारा एक तरीके से समाप्त कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए एक नोट भी मैंने लिखा है, यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, संविधान में स्पष्ट उल्लेख छुआछूत को खत्म करने के लिए प्रावधान में किया गया है, साथ ही एक आपराधिक कानून भी बनाया गया है जिसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम है। 1955 में ये कानून 8 मई 1955 को बनाकर तैयार हुआ। इस कानून के अंतर्गत कुछ ऐसे कार्यों को अपराध घोषित किया गया जो छुआछूत से संबंधित है, ठीक है। तो ये कानून बनाकर तैयार किया गया और इसको जो भी छुआछूत से संबंधित जो भी कानून थे, जो भी कार्य थे, उनका समाप्त कर दिया गया है। इस प्रत्येक विशेष कानून को बनाए जाने का उद्देश्य छुआछूत का अंत करना तथा छुआछूत के प्रसारित करने वाले व्यक्तियों को दंडित करना था, ठीक है। नेक्स्ट आता है राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता का अर्थ होता है नागरिकों को राजनीतिक आधार, राजनीतिक अधिकार समान लेने चाहिए, वोट का अधिकार, चुने जाने का अधिकार, प्रार्थना पत्र देने का अधिकार, सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार, सभी नागरिकों को धर्म के, जाति, रंग, लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना समान रूप प्राप्त होने चाहिए। मतलब एक तरीके से राजनीतिक समानता में का मतलब ये होता है कि सभी व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार होता है, प्रार्थना पत्र देने का अधिकार होता है, सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो इस दौरान कोई भी राजनीति जो है वो मनुष्य से कोई भी किसी भी प्रकार का रंग जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं करेगी, सभी व्यक्तियों का समान रूप से प्राप्त एक तरीके से अधिकार होने चाहिए। वोट डालने का अधिकार है, चुने जाने का अधिकार है, सरकार की कुछ योग्यताएं निश्चित कर सकती हैं, ये योग्यताएं धर्म, जाति, रंग, लिंग, धन पर आधारित नहीं होनी चाहिए। मतलब जो भी राजनीतिक की जो भी योग्यताएं होती हैं, जैसे जो भी फॉर्म वगैरह होते हैं औपचारिक तरीके से, तो उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है, ठीक है। आप देखिए आगे, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, समानता, स्वतंत्रता और समानता में संबंध, ठीक है, या फिर आप समानता स्वतंत्रता में संबंध कुछ भी कह सकते हो उनको। समानता और स्वतंत्रता के मूल तत्व है, व्यक्ति के विकास के लिए स्वतंत्रता समानता का विशेष महत्व है, ठीक है। बिना स्वतंत्रता और समानता के मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता, सही बात है। जब समानता ही नहीं होगी तो स्वतंत्रता किस बात की, ठीक है। तो एक तरीके से दोनों ही आपस में काफ़ी अच्छा इनका संबंध है, परंतु स्वतंत्रता और समानता के संबंध में वृद्धिवन एकमत नहीं है। कुछ विचारों का मत है कि स्वतंत्रता तथा समानता परस्पर विरोधी है, जबकि कुछ विचारकों के अनुसार स्वतंत्रता तथा समानता में गहरा संबंध है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये दोनों आपस में विरोधी है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि इन दोनों में आपस में काफ़ी ज़्यादा गहरा संबंध है। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बिना समानता स्थापित नहीं की जा सकती, एक के बिना दूसरे का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। मतलब दोनों में काफ़ी अच्छा संबंध है, एक के बिना दूसरे का कोई भी एक तरीके से महत्व नहीं है। समानता भी उतनी आवश्यक है जितनी स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता भी उतनी आवश्यक है जितनी समानता, ठीक है।
तो यहीं पे स्टूडेंट्स हमारा आज का जो वीडियो है वो हमारा कंप्लीट होता है, और आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है आपको बहुत ही अच्छे से टॉपिक्स को समझाने के लिए। एंड स्टूडेंट वीडियो से रिगार्डिंग जो भी डाउट्स वगैरह होता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को दो लाइक शेयर एंड कॉमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाना ना भूलें। सो स्टूडेंट्स मैं प्रेरणा सिंह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।